अच्छी एक न्यूज जो निकल कर आई है, भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, भारत गौरव ट्रेन, लास्ट ईयर नवंबर में शुरू किया था, हमने डिस्कस भी किया है। तो ये जो मेडन सर्विस ऑफ भारत गौरव ट्रेन जो है, पहली प्राइवेट प्लेयर, देखिए ये एक तरह का इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी ने एक ट्रेन को हायर कर लिया है, रेंट पे ले लिया है। जैसे आप किसी मकान को या किसी जगह को रेंट पे लेते हैं, तो वैसे ही समझिए कि इसको रेंट पे लिया गया है और उसको खुद वो चलाएंगे। चलाएंगे मतलब उसको किस रूट पे चलाना है, कहां पर रोकना है, कितना उसपे जो है उसका जो प्राइसिंग रहेगी उसकी क्या रहेगी, वो सारा का सारा चीजें वो डिसाइड करेंगे। तो ये पहला जो सर्विस है भारत गौरव ट्रेन की, प्राइवेट प्लेयर के द्वारा शुरू की गई है, कोयम्बटूर से शिरडी तक। तो ये 5 दिन का ट्रिप होगा, एक रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है। सदर्न रेलवेज को इसका हर साल का जो रेवेन्यू मिलेगा 3.34 करोड़ मिलेगा। इसमें जो पैकेज होगा सब कुछ है, एसी अकोमोडेशन, बस ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर मान लीजिए एक जगह रुकी, मैं आपको बताता हूं कि जैसे 5 दिन का ट्रिप है, कोयम्बटूर से शिरडी जा रहे हैं, तो बीच में कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में मंत्रालयम टेम्पल है, वहां पर रुकेगी 5 घंटे के लिए। तो लोग रुकेंगे, टेम्पल मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, वापिस आएंगे, फिर आगे जाएंगे, जैसे गाड़ी की तरह। गाड़ी आपकी रुकती है, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है ए से बी, तो बीच में आपको बताया कि इस सी जगह पर एक मंदिर आता है, आप वहां पे रुकते हैं और वहां पे आके दर्शन करते हैं। 1100 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हुए 14 जून को। और ये जो भारत गौरव ट्रेन है, ये केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है, देखो अपना देश, ठीक है, अपने देश को देखिए, टूरिज्म प्रमोट होगा। और थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन्स नवंबर 2021 में इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका औचित्य क्या है? औचित्य है कि देश के जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को लोग देखें, जाने, ना सिर्फ भारत के लोग, विश्व के लोग भी, और टूरिज्म सेक्टर जो हमारा इंप्रूव हो, टूरिस्ट पोटेंशियल बढ़े। IRCTC ऑलरेडी इस तरीके के टूरिस्ट सर्किट्स पे ट्रेन चला रहा है, और ये जितनी भी टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स हैं, 1 अप्रैल 2022 से जो गाइडलाइंस इशू की गई थी, इसी के तहत चलाई जाएंगी।